कहाँ छुपे हुए थे आप? मैं बिहार की जनता और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष और तमाम दल के नेताओं से और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी से आग्रह करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, आर्जू करती हूँ कि आखिर मेरी गलती क्या है, मुझे क्यों इस तरह से आज 4 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा है। जब सबों का आग्रह था कि सीबीआई से जांच हो तो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम सीबीआई से जांच हो रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है, दोषी को सजा भी मिल रहा है, लेकिन हर न्यूज में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मंजू वर्मा चंद्रशेखर वर्मा आज 4 महीने से छापा जा रहा है। आखिर मुझे जो इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरी गलती क्या है? मैं अपने सरकार से, जनता से और विरोधी दल के तमाम नेताओं से आर्जू करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि मेरी गलती क्या है। मुझे इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है 4 महीने से क्योंकि मैं कमजोर वर्ग से हूँ, मैं कुशवाहा जात से हूँ, मैं औरत हूँ, इसीलिए मुझे आज 4 महीनों से प्रताड़ित किया जा रहा है। शायद 4 महीनों में 10 दिन भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि न्यूज में मंजू वर्मा, चंद्रशेखर वर्मा और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम नहीं आया होगा। आखिर जब सीबीआई जांच कर रही है, फिर मुझे क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? मैं सीबीआई के कर्तव्यनिष्ठता और उसके स्वच्छ चरित्र और उसके ईमानदारी को सलाम करती हूँ और मुझे विश्वास है कि सीबीआई उचित जाँच करेगी। और ये प्रताड़ित जो हो रही है सिर्फ मंजू वर्मा नहीं हो रही है, मंजू वर्मा को कौन पहचानता था, यह प्रताड़ित चरिया वरियारपुर की विधायक हो रही है, सरकार की पूर्व मंत्री हो रही है और कुशवाहा जात की बेटी हो रही है। मैं जनता को सलाम करती हूँ।